चैनल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वेयर, ये जो है इसको प्रूव करना है। उस दिन हमने b इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला को प्रूव करना सीखा था, आज हम सीखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वेयर को कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहले आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेना होगा। यह टी एक्सिस और यह बी एक्सिस, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये वेलोसिटी, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये है ओ, ये है टी मतलब टाइम, ये है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये है बी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और ये इसका एरिया जो है ये ऐसे, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर, ठीक है, इसे हमको प्रूव करना है। तो एस का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, जैसे मैं पहले बताऊँ ओ ए बी सी डी, मतलब ये पूरा जो है इसका एरिया है एस, ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इन टू ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ क्या है यू और लेंथ है टी, ये हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ये जो है इसका एरिया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, प्लस यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस क्या होगा ऐसी, और यह होगा ऐसी इंटू बी सी, ये है ये हाइट और ये है बेस। तो हम इसे इन दोनों को पहले शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए सी, ए सी है ये, ए सी का मतलब है टी, और बी सी जो है बी सी का मतलब है ए टी। ए टी कैसे हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले वीडियो में हम क्या सीखे थे, एक्सलेशन इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो और ए इक्वल टू बी का क्या मतलब है बी डी, माइनस यू का मतलब है ओ ए या फिर सी डी, और टी का मतलब है, टी को टी लिख देता हूँ, तो बी डी माइनस सी डी क्या हुआ, बी डी माइनस सी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और ए इक्वल टू बी डी माइनस सी डी इक्वल टू बी सी बाई
टी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बी सी इक्वल टू ए टी, ऐसे ही हुआ बी सी इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू टी यू इंटू टी मतलब यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी इंटू टी। हमें क्या प्रूव, ये क्या है, ये एस है, मतलब ये जो ये पूरा ट्रापेज़ियम है ओ ए बी सी डी, इसका एरिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी इंटू टी, क्या होगा, ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या प्रूव किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब है ओ ए बी सी डी ट्रापेज़ियम का एरिया जो है उसका। तो एरिया ऑफ ट्रापेज़ियम ओ ए बी सी डी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, क्या होता है, ब्रेथ इंटू लेंथ मतलब यू इंटू टी, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, ए सी, हाइट है बी सी। ठीक है, तो यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए सी को हम टी लिख सकते हैं, और बी सी को इस प्रोसेस के जरिए हम ए टी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू इंटू टी मतलब यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी इंटू टी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इस एस से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी इंटू टी मतलब ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स एडवांस में पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।